हेलो एवरीवन। तो ये देखिए भैया खुद पसंद करके लाए हैं। ये होता है पत्थर, ये देखिए जो आपके सामने है, ये तीन है देखिए इस तरीके से हैवी पत्थर होते हैं। ये कहाँ लगेंगे ये देखिए, ये इधर लगेंगे। जैसे हमारी जो ब्राउन टाइल है ना, तो यहाँ पे हम बीच में हिस्से में टाइल नहीं लगवाएंगे, ये जो पोर्शन है यहाँ पर ये पत्थर कटिंग हो के लगेंगे ताकि अच्छे लगे। भैया बोल रहे थे कि अच्छी लगे चीज़ वो लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि हाँ टाइलें लगा देंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी, एक ना ग्रेस आएगी इसकी काफी। तो ये देखिए ये जो है आए हैं, कितने के आए पापा जी? हैं 400 के सारे आ गए। चलो ये एक, ये तीनों, हाँ ये 400 रुपए के आए हैं देखिए तीनों पत्थर। ये देखिए पापा जी क्या लाए हैं विहान के लिए। पापा जी वैसे मैं पर्सनली बोलूं मेरे को तो पसंद ही नहीं है ये है? ये 10-10 रुपए के आते हैं ना, इसमें कोई जूस नहीं होता, इनमें क्या जूस होगा? वो तो पापा जी से बढ़िया तो रियल चीज ही फ्रूट ही खिला दो बच्चे को। ये ना फ्लेवर होते हैं सिर्फ, इसमें वो एक्चुअल में फ्रूट नहीं होता। तो ये देखिए ये पापा जी कौन से लाए, ये नींबू का फ्लेवर है, ये मैंगो का। चलो वैसे प्यास व्यास लगे गर्मी में तो पी सकता है बच्चा। और ये देखिए कोल्ड ड्रिंक लाते हैं पापा जी मिस्त्री भैया के लिए, थोड़ा बहुत उनको पिला देते हैं, कहते काम कर रहे होते हैं थक जाते हैं ना बीच बीच में, हाँ गर्मी है इसलिए लेके आते हैं। तो देखो पापा जी ले आए अभी जाके, पूछ के बोलते ले आओ, बोलते ले आओ। यहाँ पे देखिए मम्मी ने करेले की सब्जी बना दी है आज के लिए सुबह, अभी तो 10:30 हो रहे हैं। ये करेले की सब्जी छोंकी है कटिंग करके करेले, इसमें हरी मिर्च भी है। पापा जी ये देखिए परांठे, बाजारू परांठे लेकर आए हैं। एक्चुअली बाजार में भैया मिस्त्री भैया को लाते हैं ना, तो वहाँ पापा जी के एक फेवरेट परांठे वाला है, तो वो पापा जी वहाँ से ले ही आते हैं परांठे। तो इसके परांठे पापा जी को बहुत ही ज्यादा पसंद है, साथ में कड़ी देता है, कई बार राजमा देता है। सब्जी तो अपनी चॉइस से हम ले आते हैं। तो ये देखिए मेरे को कमेंट्स भी आ रहे थे कि अखबार में लपेट के मत रखा कीजिए, तो अखबार में एक्चुअली क्या है ना वो लपेट के ही देते हैं, क्या करें ना। तो ये देखिए इस बार कड़ी आई है, कड़ी आ गई, कड़ी तो बहुत ही अच्छी होती है इनकी, बहुत ही बढ़िया। वाह साथ में है छोले, छोले है ना पा जी? तो चलिए खाना परोस देते हैं हम। ये देखिए कड़ी है हमारी, और ये एक परांठा लिया है, इसमें से आधा मैं विहान को खिलाऊंगी, अभी मेरे को इतनी भूख नहीं है, बट मैं कड़ी जरूर टेस्ट करूंगी। इसमें आलू है देखिए, आलू वाली कड़ी है, और साथ में प्याज है, और ये है हमारी हरी मिर्ची, तली हुई हरी मिर्ची। पापा जी, पापा जी, पापा जी यहाँ पर नहीं है, स्कूटी तो यहीं खड़ी, अच्छा गए हुए हैं। तो ये देखिए ये जो नीचे वाली लाइन थी ये भी इस तरीके से देखिए फिल कर दी गई है, ये देखिए आप अभी वही भरी जा रही है सामने से, ये वाली जो अभी इनकम्प्लीट थी ना नीचे वाली वो फिल होने लग रही है। अभी पापा जी आ गए हैं, रुकिए देखिए पापा जी की स्कूटी यहाँ खड़ी है, मैं पापा जी से बात करती हूँ। पापा जी नाराज होके गए थे मम्मी से, अभी मूड देखते हैं पापा जी। हाँ पापा जी धोती हूँ, कहाँ से धोनी है बताओ टाइले? वो उससे लगेगा ना काम होएगा। मेरे को बोल रहे हैं कि ये टाइलों को थोड़ा साफ भी कर दो गीले कपड़े से पानी से, तो कर देंगे। पापा जी मूड कैसा है आपका? ये बात है बताओ, मम्मी से झगड़ा हुआ? ना मेरा के झगड़ा हुआ था? नहीं हुआ, ठीक है, झगड़ा नहीं हुआ मम्मी का। एक्चुअली मम्मी को पापा जी लेके जा रहे थे अपने घर, कह रहे थे तू चल मेरे साथ। मम्मी बोलती मेरे पाँव में दर्द रहता है, मैं इतनी गर्मी में बार बार इधर से उधर उधर से इधर नहीं आ सकती। तो बस पापा जी गुस्से में स्कूटी लेके चले गए, अब आए हैं घंटे बाद वापस। ये बात थी, चलो देख लेते हैं कितना काम हुआ, इतने 2-3 घंटे हो गए हैं। यहाँ पे जो एक कोने का एरिया था यहाँ देखिए भैया ने ये सारा भर दिया इसमें एंड इस चीज़ में। अभी मैंने भैया को बताया है कि ये वाली इसमें थोड़ा थोड़ा काम अभी रहता है यहाँ का, आज नहीं हुआ। ये इधर का जो है ना हिस्सा, ये वाली जो टाइल आप देखोगे ना इसमें जो स्पेस नहीं दे रखा हो, ये वाली जो टाइल देखोगे इसमें देखो स्पेस है, आप ध्यान से देखो इसमें ना भरेंगे, अभी हमने बीच में भरा नहीं है, आप ध्यान से देखो ये स्पेस दे देख के दिलवा रखी है यहाँ पे टाइल इस साइड। ये वाली विदाउट स्पेस है, ये वाली देखो है ना यहाँ से। और मैं बता देती हूँ आज की डेट में क्या काम हुआ है, पहले तो इस गड्ढे को देखो, यहाँ का हम ना टाइलों से ही लगवा देंगे, ये बन जाएगा पत्थर से, जो बाबा ये पत्थर से बनेगा, ये वाला पत्थर ही यूज हो जाएगा,
है ना, ये बड़ा साइज का है। इसी से इसी टाइप का कटिंग होगी, इसी ऐसे ही पत्थर लग जाएगा, कुछ अलग है ना यहाँ पे। इससे भी मोटा ले आओगे? हाँ यही लग जाएगा। मतलब यहाँ पे ना आजकल क्या होता है, जैसे ढक्कन होते हैं ना, बड़े ना सस्ते पड़ते हैं। हम ना ये वाले टाइलों में से पत्थर से बनवा लो, वैसे तो बहुत लोहा तो इतना महंगा आता है, बहुत ही महंगा पड़ जाए। अभी पानी आ रखा है और मेरी आज ना थोड़ी सी हालत ठीक नहीं है, मीन्स थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा कई बार ऐसा हो जाता है, हम ले लेते हैं। तो अभी मैं क्या करती हूँ, मेरा पता है सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, अगर आप जैसे शाम को 5 बज रहे हैं, बट अगर ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो मैं नहा लेती हूँ। नहाते ही ना थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, तो नहा के अपना थोड़ा सा कुछ अपनी पसंद की कोई चीज़ खा लूँगी और टीवी देखूँगी, ये सोच रही हूँ मैं। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, गर्मी तो नहाते हैं। और अभी विहान इतने सो के उठेगा, अभी तो सो रहा है। आज पता है क्या हुआ, मेरे ना दिन में करंट लगा, ये देखिए आप, इसमें ग्रीन लाइट जल रही है पूरी, मतलब। और बंद कूलर है ये, बंद कूलर में करंट। मैं जैसे यहाँ ना विहान खड़ा था इधर, और मैं विहान के साथ यहाँ खड़ी हुई खेल रही थी, मैंने इसको ऐसे ही छू लिया, छूते ही मेरे को इतना तेज झटका लगा। ये देखो इसमें बंद कूलर में इतना सारा करंट है, और मैंने बताया कि बताओ इसमें इतना करंट है बच्चा, वैसे बंद कूलर में। अब तो मैं स्विच भी निकाल लूंगी इसका, डर लगता है भाई। पापा जी काम करते हैं, ये चीज है प्लास्टिक का ले लेते हैं कूलर, प्लास्टिक की बात नहीं है। दुकानदार को बताओ है ना, हाँ। उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, हाँ। जब हम खरीदते हैं ना, हाँ। तो बड़े बड़े वो चैलेंज से करते हैं, ये हो गया, हाँ। कहोगे तो उसी को ठीक हो जाएगा, हाँ। लेकिन कुछ नहीं ऐसा। मैंने देखिए पनीर बनाया है शाम के लिए, घर में दूध फाड़ लिया था, और बढ़िया सा घर का पनीर है जी। अभी मैं नहाकर आई हूँ, और ये देखिए मैं, ये सुबह बनी थी ये नूडल्स चाउमीन, ये वैसे ही रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं ये खा लेती हूँ, और काफ़ी बेटर फील हो रहा है, मतलब थोड़ा सा माइंड शांत हो रहा है। अभी थोड़ा सा आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए आप लोग मुझे कहते रहते हो कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसे पॉइंट्स मेरी लाइफ में भी आते हैं जब मैं कमज़ोर पड़ती हूँ, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ, थोड़ी बॉडी को रेस्ट देती हूँ, उसके बाद मैं फिर से खड़ी हो जाती हूँ। तो थोड़ा आराम देना ज़रूरी होता है शरीर को। पापा जी देखिए जस्ट अभी आए हैं, रात का टाइम है, और देखिए छोले बना के लाए हैं, छोले की सब्ज़ी घर से, बोलते थे तुम्हारे लिए लाया हूँ। तो ये देखिए ये गरम है, गरम गरम छोले की सब्जी है। सफेद छोले हैं ना पा जी? ना काले। अच्छा काले छोले हैं, मैं काले चने मतलब। ओके और यहाँ पे विहान ने देखना सारे टॉयज फर्श पे फैला रखे हैं बिल्कुल। तो ये शाम का टाइम था, पापा जी और विहान ना खेलने लग रहे थे, देखो उनकी आपस की मस्ती चल रही थी। और ना मेरे ना अभी मतलब मेरा गला भर रखा है, अभी मैं आपसे बात भी कर रही हूँ ना, मैं ये चीज़ें पता है क्या, देखो अगर मायके में दुख मिलते हैं ना, तो लड़की शादी के बाद ससुराल में खुशियाँ मिल जाए ना, तो भूल जाती है, ससुराल में मन लगा लेती है। लेकिन अगर जो दुख तकलीफ जो ससुराल में मिलती है ना, वो ना अमरते दम तक ना औरत कभी भूल नहीं सकती, वो जो दर्द होता है ना वो ज़िंदगी भर साथ चलता है। मैं कितना भी कुछ कह लूँ कुछ भी, लेकिन वो चीज़ें ना मैं आज भी ना ये सोचती हूँ, मेरी गलती क्या थी, मैंने क्या उन मेरा कसूर था। मैं कई बार सोचती हूँ कि यार मैंने उन क्या बिगाड़ा था, मैंने मैं उनकी गलत इंटेंशन भी नहीं थी, सब कुछ कर रही, मतलब फिर भी मतलब इतना कुछ मेरे को गंदा सुनने को भी मिला। अच्छा करो उसके बाद भी गलत हो, मतलब वो चीज़ तो मेरे साथ हुई है। देखो ना मैंने देखो मतलब मेरे यहाँ घर पे भी आके मेरे को इतना गंदा बोल के गए, मेरे कैरेक्टर के बारे में इतना गंदा बोल के गए थे, मेरे दिमाग से वो चीज़ें ना आज देख लो 6-7 महीने हो गए मेरा, आज भी कई कई बार ना मूड ख़राब हो जाता है मेरा सोच सोच के, मतलब ऐसी बातें, मतलब कोई इंसान कैसे किसी के बारे में बोल सकता है बिना मतलब दिल ही नहीं है सामने वाले लोगों के मन में, तो मतलब ये चीज़ मुझे लगती है। मतलब मेरे को ये बोला था कि तू आदमी मतलब कैरेक्टर के ऊपर, मैं छोड़ो मैं वो लाइन भी नहीं बोलना चाहती क्योंकि मुझे वो लाइन ही अच्छी नहीं लगती, बहुत ही गंदी गंदी बातें कैरेक्टर के ऊपर मेरे को बोली। और मेरे पति के जाने के एक महीने बाद फ़ोन मिला के मेरे कैरेक्टर के ऊपर उल्टा बोला, वो सब चीज़ें कितनी तकलीफ देती हैं वो सिर्फ मैं जानती हूँ। और ठीक है यार मैं लाइफ में पता है काफ़ी हद तक मैं ना उस दिन मेरे साथ जो चीज़ें हुई थी ना, उस दिन मैंने ना ये सोच लिया था पीछे मुड़ के लाइफ में देखूंगी नहीं, और मैं ठीक चल रही थी 3-4 महीने, मैंने लाइफ में थोड़ा सा मूव ऑन कर लिया था। लेकिन उसके बाद मैंने ये वीडियो कॉल्स करवाने लग गई थी, तो कहीं ना कहीं मैं फिर से हर्ट होने लग गई थी। तो मैंने मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं उनसे रिश्ता नहीं रखूंगी, मुझे नहीं रखना, मुझे उनसे चिढ़ सी हो चुकी है, सच में मुझे बहुत चिढ़ हो चुकी है। मतलब मैं ना मन तो करता है मतलब चीख चीख के
बोलूँ उनको कि तुम लोगों ने मेरे साथ कितना गलत कर सकते हो ना, कोई इंसान जो सहन कर सकता है, जो इंसान कुछ बोल नहीं रहा उस इंसान को सच में एक होता नहीं तड़फाया है, मेरे को सच में अंदर तक मेरी आत्मा को रुलाया है उन लोगों ने, मुझे इतना परेशान किया है। तो मैं तो भाई कभी भी मतलब अंदर से, इसीलिए मैं सोचती हूँ अगर इतना अंदर कुछ भर रखा हो तो उससे बढ़िया चीज़ों को ख़त्म ही कर दो। मतलब मैंने मेरी गलती थी, मैंने वीडियो कॉल्स वगैरह करवाने लग गई, मतलब फ़ोन आते थे वीडियो कॉल करवा दो, मैं करवा देती थी, बट अब नहीं करवाऊंगी मैं, अब मैं अपनी लाइफ को उनसे बिल्कुल दूर रखूंगी। बल्कि अब जब मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी, वो मेरे से सैलरी भी पूछ रहे थे, बोलते यूट्यूब से कितनी कम अर्न कर लेती हो, तो मैंने अपनी जितनी आती है मैंने पूरी बता भी दी थी उनको। तो बट अब मैं अपनी लाइफ की चीज़ें ना पर्सनल रखा करूँगी, अब मैं उनके साथ काफ़ी कुछ भी शेयर नहीं करूँगी कोई बात अपनी, और उनके साथ मुझे अब रिश्ता रखना नहीं है अब आगे। मेरे को बहुत रुलाए है, बहुत ज़्यादा मेरे को, एक होता नहीं पति के जाने का दुख तो होता ही होता है, उसके बाद जो मेरे को उल्टा सीधा बोल बोल के मेरे साथ ऐसी चीज़ें कर के बहुत मेरे को तंग किया है। तो इसीलिए अब मैंने यही फ़ैसला लिया है कि मैं उनके नंबर डालूँगी ब्लॉक लिस्ट में, और कभी नहीं मुझे उनसे लाइफ में उनसे मतलब रखना, बात नहीं करूँगी मैं। ठीक है, इस वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय।